हेलो दोस्तों, आपका टैनी फूड रसोई में स्वागत है। आज बनाएंगे ओरियो बिस्कुट का टूटी फ्रूटी चॉकलेट केक की रेसिपी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो रेसिपी को ट्राई करें। दो ओरियो बिस्कुट। ओरियो बिस्कुट की क्रीम नाइफ की मदद से अलग कर लेंगे। ओरियो बिस्कुट आपके पास नहीं हो, इसके जगह आप हैप्पी हैप्पी बिस्कुट भी ले सकते हैं। सभी बिस्कुट को एक बाउल में तोड़ लेंगे। एक कटोरी दूध डालेंगे। ग्राइंडर की मदद से बिस्कुट का अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। एक से दो मिनट में पेस्ट अच्छे से बन जाएगा। देखिए फ्रेंड्स, बिस्कुट का पेस्ट अच्छे से बन गया है। बिस्कुट के पेस्ट में एक चम्मच इनो डालेंगे। इनो नहीं हो इसके जगह आप बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। इनो डालकर पेस्ट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कुकर को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। बिस्कुट का पेस्ट कुकर में डाल देंगे। केक के ऊपर टूटी फ्रूटी डालेंगे। टूटी फ्रूटी आप कोई भी कलर की यूज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आपके पास टूटी फ्रूटी नहीं हो इसके जगह आप ड्राई फ्रूट्स भी यूज कर सकते हैं। केक को और भी अच्छा दिखाने के लिए कटे हुए काजू डालेंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे। 10 मिनट के लिए चूल्हे पर ढककर रख देंगे। दस मिनट बाद देखिए फ्रेंड्स, केक अच्छे से बन गया है। नाइफ की मदद से केक को बाहर निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, केक कितना बढ़िया बना है। केक आपको पास से भी दिखाते हैं, कितना स्पंजी केक बना है। फ्रेंड्स देखिए कितना जालीदार केक बना है। फ्रेंड्स, वीडियो में कुछ कमी हो तो कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। फ्रेंड्स, केक आपको काट के भी दिखाया कितना स्पंजी केक बना है। यह केक आप लोग भी बना सकते हैं। कुछ ही सामान से केक बहुत जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। वीडियो आपको कहीं से भी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।